खरगोन जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मूलभूत मांग नियमितीकरण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है खरगोन जिले के तकरीबन 500 कर्मचारी हड़ताल पर है और आंदोलन के तीसरे दिन 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। हम आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी लंबे अरसे से मांगों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच 42 डिग्री टेम्परेचर पर बच्चों के साथ कर्मी हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी विभागों में मांगों को मान लिया और हमसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन के द्वारा हड़ताल की जा रही है, हड़ताल के भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये हमारी क्रमिक भूख हड़ताल का चौथा दिन है और चौथे दिन भी आज क्रमिक भूख हड़ताल के तहत हमारे 4 से 5 जो कर्मचारी है वो आज भूख हड़ताल पे हैं। साथ ही साथ आज हमने एक एक्टिविटी करी है कि इस एक्टिविटी के तहत हमने अपने जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। वो बच्चे अब हमारे जो सरकार है वो सरकार से बच्चे ये उनके अभिभावकों को नियमित करने के लिए और 5 जून 2018 की नीति को लागू करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। वो भी अब ये परेशान हो गए कि कितनी बार हमारे ये पापा मम्मी ये हड़ताल पर जाएंगे और कब तक ये सरकार ये हड़ताल को ख़त्म नहीं करेगी, उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी। क्रमिक भूख हड़ताल नाम दिया गया है इसी। क्रमिक भूख हड़ताल का मतलब है कि क्रम वाइज, मतलब रोज थोड़े थोड़े लोग, जितने भी कर्मचारी इसमें से रोज थोड़े थोड़े लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। अपने हमारे कैडर्स के हिसाब से हमने ये डिसाइड किया है कि हर दिन एक नए कैडर के व्यक्ति और उसके जितने भी कर्मचारी उस कैडर के वो लोग सब भूख हड़ताल पे रहेंगे। कितने लोग बैठे? आज 5 लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसमें ऊन के ब्लॉक और महेश्वर ब्लॉक के कुछ व्यक्ति हैं जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, सरकार ने भी जो कलेक्टर ने आदेश जारी किए जी बच्चों का टाइम भी कर दिया, लेकिन ऐसे में अभी लगभग 1 बजे और इतनी तकलीफ धूप में भी बच्चे बैठे हैं। जी देखिए, सरकार को, शासन को, प्रशासन को भी ये बात समझनी चाहिए कि कब से कितने सालों से ये जो इनकी जायज मांगे 5 जून 2018 की नीति जो सारे डिपार्टमेंट्स में लागू कर दी गई है, केवल स्वास्थ्य विभाग को अभी तक छोड़ दिया है। लेकिन देखिए, कलेक्टर ने भी कल बोल दिया था कि 42 डिग्री टेम्परेचर के बाद स्कूल्स भी 12 बजे के बाद नहीं लगेंगे। उसके बावजूद भी ये सारे छोटे छोटे बच्चे आज आए हुए हैं अपने अपने अभिभावकों के साथ, ताकि वो कम से कम, अगर सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो हो सकता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, उनकी तकलीफों को देखकर ये उनकी बात मान जाए और हमारी बात मान जाए और हमारी बात को सुन लिया जाए। मैं डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरापिस्ट, जिला चिकित्सालय खरगोन। और आप लोग कहीं भूख हड़ताल पर बैठे हो, सरकार की तरफ से ऐसा कोई संदेश आया है कि आप लोगों को कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हो? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और हम जब तक वो कुछ नहीं देंगे और ना उम्मीद देंगे तब तक हम डटे रहेंगे। चाहे हमें पूरी भूख हड़ताल, 24 घंटे की भूख हड़ताल क्यों नहीं करना पड़े, हम यही चाहते हैं कि आप सभी डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारियों को आगे बढ़ा रहे हो तो फिर स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं? स्वास्थ्य विभाग तो एक मेन विभाग है जो हर दम, हर कदम, हर कोरोना काल में भी पूरा अभी तक पूरा सहयोग करता रहा है। कंधे से कंधे मिलाकर उन्हें पूरी मेहनत की है और सभी कर्मचारियों ने अपनी जी जान गंवा दी है, फिर क्यों मामा हम लोगों को क्यों नहीं देना चाहते हैं? दूसरे डिपार्टमेंट में संविदा वालों को सभी को सब आगे बढ़ा दिया है। टीचर देखो तो टीचर, शिक्षक, शिक्षा विभाग में भी उन लोगों को आगे बढ़ाया है, फिर पटवारियों में देखो उन लोगों को भी संविदा से आगे बढ़ाया है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं? छोटे बच्चों को लेकर आओ, क्या संदेश देना चाहते? छोटे बच्चों को यही संदेश देना चाहते कि हमसे नहीं, आप बोलते हो हमारी लाडली बहना, हमारी लाडली बेटी, तो हम भी तो बहनें, हम भी तो लाडली बेटियां हैं, तो हमारे बच्चों के देखकर कम से कम हम लोगों को तो कुछ उम्मीद दें। नीतू बाला अम्बेकर, CAC महेश्वर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।